हे गाइस, सो आज हम फिर से इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के अंदर मिथ्स को देखने वाले जो कि आप लोगों ने कमेंट्स करके बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर वन, मिथ, अगर हम एनपीसी की चलती कार में ड्राइवर के बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कैरेक्टर एनपीसी को कार से लात मारकर निकालता है। वेट, ये कब से होने लगा भाई? पहले तो नॉर्मली निकाल लेता, अभी क्या लात मार के निकालेगा उसको? तो रुको, यहाँ पर इसकी गाड़ियों की संख्या बढ़ा दे तो हम यहाँ पर जाकर ताकि जल्दी अपने को गाड़ी मिल जाए। 5, 4, 3, 2, 1 से अपनी गाड़ियाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी तो अपने को इजी हो जाएगा। देखो सामने स्पॉन हो चुकी। ओके गाइस, ये रही, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ। अभी ये आ चुका एंटर बटन, एंटर करते तो लेट्स व्हाट। अबे ये भाई, भाई सच में इसने लात मारी भाई। भाई मैं सच बताऊं तो मैंने अपडेट के बाद मतलब गेम्स को इतना ज्यादा खेलता नहीं हूँ भाई, मैंने भी खुद ने पहली बार देखा है। तो रुको, दूसरी गाड़ी को चेक करते हैं, क्या मतलब दूसरी गाड़ियों को भी इसी टाइप से निकालता हूँ या फिर कुछ अलग सीन हो। ये एनपीसी कुछ स्मार्ट हो गया क्या अभी? तो रुको, इसको भी देख दो भाई। हाँ यार भाई, ये तो लात मारा है, लेकिन लात मारने का क्या फायदा जब उस प्लेयर के लात तक नहीं पड़ रही हो? लेकिन लात मारने का एनिमेशन तो कर रहा है। तो यस, ये मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, पेट्रोल पंप के पीछे जाकर बाइक को वहां की दीवार से चिपकाकर बाइक का ऑप्शन आने पर जंप करोगे तो आप ऊपर चले जाओगे, फिर बाइक का ऑप्शन आता रहेगा, फिर वहां पर कार स्पॉन करो और देखो मैजिक। अच्छा भाई, तो चलिए ये भी ट्राई कर लेते। तो सबसे पहले मेरे को पेट्रोल पंप की साइड पर जाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं वहां पर चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये अपना पेट्रोल पंप की बैक साइड यानी कि ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को एक बाइक को स्पॉन करना है, तो कौन सी बाइक स्पॉन करी? चलो यहाँ पर R15 स्पॉन करेगा हमेशा की तरह। तो लेट्स गो, यहाँ पर हम आ चुके एंड यहाँ पर अपने को एंटर का बटन आया, तब अपने को जंप करना है। अच्छा जंप एंड, अबे व्हाट, अबे ऑटोमेटिक टाप गया और मेरा एंटर बटन अभी भी आ रहा है गाड़ी का। भाई मैं हिलूंगा नहीं, क्या पता यहाँ पर गायब हो जाए। और मेरे को अभी एक गाड़ी स्पॉन करनी, कोई सी भी कार, तो कौन सी कार स्पॉन करी जाए भाई? भाई कार, अच्छा यहाँ पर न्यू आई कोई कार को स्पॉन कर लेते हैं, मस्टैंग। भाई मेरे को क्या है, चीट कोड ज्यादा याद नहीं इसकी वजह से हर बार यही। एंड चलो, दोनों का बटन एक साथ भी आ चुका है भाई। वेट, ये क्या सीन है भाई? भाई ये तो कुछ अलग ही हो गया भाई। वो गाड़ी चल रही है? नहीं भाई, वो गाड़ी नहीं चल रही। लेकिन भाई ये क्या हो क्या रहा है भाई? ये तो कुछ अलग ही सीन लगा भाई। रुको एक बार फिर से मैं इसको चेक करना, क्या फिर से उठेगा और फिर वही सीन कर गई है भाई? नॉर्मल हो गया यार, ये तो कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बाइक। लेकिन क्या होगा इसके अगर हम स्कूटी को ट्राई करें? सो गाइस, अभी ये सेम चीज मैं ट्राई करने वाला हूँ इस स्कूटी से, क्योंकि इसे स्कूटी अभी जस्ट एड हुई, तो इसके साथ भी कुछ ग्लिच वगैरह तो होंगे ऑब्वियसली। तो क्या पता कुछ तगड़ा वाला ग्लिच अपने को मिल जाए, तो इसको मैं बिल्कुल इस टाइप से अपने को यहाँ पर लगानी, बिल्कुल चिपका कर जैसा उन्होंने बोला था। लेस वो यहाँ पर ये हमने चिपका कर तो नहीं लगे, लेकिन यस थोड़ी सी उस टाइप से एंटर बटन आना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर जंप कर लेते हैं एंड भाई अभी तक एंटर बटन आ रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर कार भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए इस बार कौन सी कार यहाँ पर ट्राई करी जाए। तो यहाँ पर 700 से कोने से नहीं, आई थिंक यस लैम्बोर्गिनी V2 आएगी। एंड दोनों का एंटर बटन साथ में आ चुका है, दोनों का एंटर कर लिया। एंड भाई ये क्या है भाई कैरेक्टर? भाई ये तो कुछ अलग ही स्टंट करो भाई, ये तगड़ा लग रहा है भाई। ये देखो हर बाइक पर कुछ अलग अलग टाइप का सीन लगा, मतलब भाई ये इसके हाथ देखो भाई पूरा अलग ही सीन भाई। स्कूटी का स्पीडोमीटर भी वर्क करता है भाई। एंड ये देखो ये कुछ अलग ही खतरनाक सा ग्लिच है। तो यस भाई, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था और ये मिथ भी होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ ये है, पहले वाला मिथ है पर यहाँ पर ट्राई करना, कार को स्पॉन करो और ड्राइवर को फिर एक साथ क्लिक करो, गाड़ी से बाहर निकलो और एमपीसी के पास जाकर गन का स्कोप खोलो तो ऑटो मोड में चलेगी। वेट ए मिनट, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कार को स्पॉन करना है एंड वो जो हमने लास्ट टाइम आपने वीडियो देखा पिछला वाला मिथ वाला वीडियो, तो उसमें हमने जो गन वाला ग्लिच किया था वही करना है सेम टू सेम। तो चल यहाँ पर मैं एक कार को स्पॉन कर, जैसे यहाँ पर 9090 ये वाली थार आ चुकी है एंड अभी अपने को फायर करते करते एंटर करना है। तो ये यहाँ पर जस्ट मैं फायर करो एंटर कर लेना जल्दी से, तो मैं फायर कर ही रहा था उसी टाइम जस्ट एंटर कर लिया मैंने। एंड एंटर करने के बाद अभी एग्जिट कर लेना अपने को, एग्जिट भी कर लिया चलिए। एंड अभी मैं वो गन लूंगा और उसका स्कोप को ओपन करूंगा, जैसे कि यहाँ पर देख अभी ये लाल लाल यहाँ पर ओपन, लेकिन इस टाइप से स्कोप ओपन करूंगा। और एनपीसी के पास ऑटो मोड कहाँ पर हो रहा भाई? उन्होंने बोला था यहाँ पर ऑटो मोड हो जाएगा। वेट, उन्होंने बोला था एनपीसी के पास जैसे एम करोगे स्कोप खोलोगे तो वो ऑटो मोड चलेगा, मतलब ऑटोमेटिक फायर निकलेगा उसमें, इस टाइप का उनको कहना है। तो भाई कहाँ पर यार, यहाँ पर तो कुछ भी तो नहीं रहा भाई। ये देखो मतलब हाँ ये बात तो है कि यहाँ पर यहाँ आग निकलती आगे से लाइट टाइप से, लेकिन ऑटोमेटिक कहाँ पर चली, ये मैंने खुद से यहाँ पर चलाई नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मिथ होता है यहाँ पर बसते। नेक्स्ट मिथ, लैम्बोर्गिनी V2 का कलर चेंज होता है पर उसका गेट का नहीं। अच्छा, लैम्बोर्गिनी V2 जो कि अभी 700 से हमने स्पॉन करी थी, तो ये 700 एंड यहाँ पर आ चुकी है, इसका कलर हम चेंज करते हैं ब्लू। अरे मोबाइल अंदर रखनी बड़ी जल्दी इसको,
इसको लगता है इसका चोरी हो जाएगा। भाई ये क्या सीन है भाई, ये यस भाई इसका कलर चेंज ही नहीं हो। ये देखो गेट इस साइड का भी सेम है। एन पुलिस वालों को बड़ी दिलचस्पी है ये देखने में। आरजीबी में भी नहीं हो रहा भाई, एंटर नहीं करना था वैसे। चलो यस ये इस साइड का, यस इस साइड का भी नहीं हो रहा। और ये पुलिस वालों को तो लगता है कोई काम तो है ही नहीं, इनको बस कचोरे समोसे खाते रहते और जब टाइम मिलता अपने को मारने के लिए आ जाते। और ये मिथ भी होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, आप हेलीकॉप्टर और रोस्ट राइडर बाइक पर एक साथ बैठो तो आप दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे, नीचे से ही चलती हुई कार को ब्लास्ट कर पाएंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को दोनों को एक साथ एंटर करना है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ चुका है, देन यहाँ पर 5555 फोर टाइम फाइव से ही आती है। यस, लेकिन भाई हेलीकॉप्टर नहीं फूटता है क्या इससे? भाई दोनों का एंटर बटन साथ में आ रहा, लेकिन आपको पता होगा जो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रिलर रियल प्लेयर उनको पता होगा इस गोस्ट राइड बाइक से सब कुछ फूट जाता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर तो फूट ही नहीं रहा वैसे। तो दोनों को एक साथ एंटर कर लिया है, अभी हम दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे इस तरीके से इनका। यस, लेकिन ये ऊपर तो उड़ ही नहीं रहा। तो गाइस यहाँ पर मैं इसके पास में आ रहा हूँ, तो ये देखिए भाई अलग ही कैमरा एंगल हो रहा है। ये देखो भाई ये क्या सीन है भाई, भाई तो ड्रोन टाइप का कैमरा हो, ये बिल्कुल ही अलग ही टाइप का 360 कैमरा भाई। वेट, वो देखो भाई बंदा अपना उस साइड घूम रहा है मजे में आराम से। भाई इसकी शक्ल देख लो भाई, पहली बार रुको, इसकी दिवाली पर इसकी शक्ल देख लो भाई किधर। ये देखो भाई कुछ अलग ही सीन लग रहा भाई, लेकिन वो तो नहीं, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर हम दूर से गाड़ियों को ब्लास्ट कर पाएंगे कार्स को, लेकिन वैसा तो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर ये देखो ये कुछ अलग ही हो गया। तो ये मिथ होते हैं यहाँ पर बसते। नेक्स्ट मिथ, मिथ हेलीकॉप्टर स्पॉन करो उसके साथ बाइक स्पॉन करो, दोनों एक साथ बैठो और एक हेलीकॉप्टर स्पॉन करो इसमें बैठो, देखो मैजिक। लेट्स गो, ये भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो, हेलीकॉप्टर के मिथ कुछ ज्यादा ही हो चुका। आपको भी कुछ पता हो तो कॉमेंट कर दो भाई, आपके भी यहाँ पर कॉमेंट को इस टाइप से शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा और ये भी सीन हो जाएगा, तो मस्त मजा आ जाएगा। तो चल यहाँ पर एक बाइक स्पॉन करते हैं 5000 से। हम कभी कभी RS 200 को भी स्पॉन करना रहता है। एंड मैं सोचो भाई एक और हेलीकॉप्टर में साइड में स्पॉन कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता बाद में हम स्पॉन करने पाए, मोबाइल को एक्सेस करना पाए, इसलिए तो पहले अपनी सेफ्टी। तो चल इन दोनों को सबसे पहले एंटर करता हूँ साथ में, काफी ज्यादा क्लोज में हमने इनको लगा दिया। ये देखो दोनों का एंटर बटन साथ में आ चुका, अभी मैं एंटर कर लेता हूँ एंड दोनों का एक। यस, तो ये देखो ऊपर उड़ा दिया हमने, अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। एंड उसको हमने ऊपर उड़ा दिया, इसको देख सकते हो कहाँ पर, वेट कहाँ पर गया वो, रुको इसको अंदर भी एंटर कर लेता हूँ। वो देखो भाई उधर उड़ रहा है भाई। अच्छा अब मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ गया भाई, मतलब दोनों को एक साथ उड़ा पाएंगे हम। वो देखो इसके जस्ट पीछे वो वाला हेलीकॉप्टर आप देखो, वो देखो भाई ये तो मल्टीप्लेयर हो गया भाई, मतलब दो हेलीकॉप्टर्स को एक साथ चला रहे। ये देखिए कितना ज्यादा खतरनाक, दोनों का एक्सीडेंट कर देंगे भाई, लेकिन वो सामने आई नहीं रहा भाई। इधर इधर ये लो भाई, खतरनाक था भाई ये तो, कुछ भी बोलो। तो ये मिथ भी होता है यहाँ पर कंफर्म, आप टीरेक्स को 3 RPG शॉट से मार सकते हो। गाइस वो रहा अपना टीरेक्स भैया, इसको यहाँ पर मस्त शॉट लगाना पड़ेगा, एक लगा ओके। एंड इसको मैं अपनी साइड बुला लेता एक गन मारकर, ताकि अच्छे से अपने एम कर पाए। अबे आ जाना भाई, ये भी सस्ता नशा फूक कर बैठा है। तो यहाँ पर एक हो चुका है, यहाँ पर दो ओके, एंड लास्ट वन तीन। यस, तीन में हम मार सकते हैं। ये मिथ भी होता है यहाँ पर मस्त तरीके से कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, मिथ हॉर्स के पास बाइक रखो और दोनों एक साथ ड्राइव करो और डिस्क ब्रेक दबाओ फिर देखो। तो यहाँ पर हॉर्स को स्पॉन करने के लिए 200 आपको टाइप करना है, एक आपको बाइक स्पॉन कर लेनी कोई सी भी। तो अपनी फेवरेट हर्बल की तरह R15 ने स्पॉन कर ली एंड दोनों को एक साथ एंटर करना है के, एंड अपने को डिस्क ब्रेक दबाना है सिर्फ। तो डिस्क ब्रेक से इनका भाई कहाँ पर वॉर है सेकंड डिस है भाई, डिस्क ब्रेक से कैसे जंप कर रहा है भाई वो। डिस्क ब्रेक मतलब ये जो नॉर्मल जो ब्रेक भाई, उसने हेलमेट पहनना भाई अभी, और वो जंप करे जा रहा है भाई। अपनी गाड़ी देखो एक जगह स्टैंड है मतलब, एंड ये देखो ये डिस्क ब्रेक जैसे प्रेस करो तो जंप भी कर रहा है, एंड इस तरीके से भाग भी सकते। ये तो आपको पता होगा यहाँ पर भागता है, लेकिन डिस्क ब्रेक से जंप करेगा ये तो मेरे को भी अभी पता चला, जो कि काफी फनी एक टाइप से देख सकते हो। वो हेलमेट पहन के कूद रहा है भाई, घोड़ा आज पूरी इसकी जान ले लेगा। तो यस ये मिथ भी होता है यहाँ पर कंफर्म, चैलेंज डस्ट जेट विद AK-47। तो गाइस ये ना मैंने पहले भी ट्राई कर लिया, ये एक टाइप से मिथ तो नहीं है लेकिन चैलेंज है, तो चलिए इसको ट्राई करता हूँ। तो JET टाइप करेंगे, यहाँ पर काफी सारे जेट अपने स्पॉन हो जाएंगे 3-4। तो मैं ज्यादा टाइप करता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा होता कि मैं इजीली यहाँ पर जेट को ब्लास्ट करता हूँ। इस साइड कोई है क्या? ये लो भाई, ये आएगा लपेटे में आज भाई, मर जा भाई। भाई गायब क्यों हो गया भाई? तो गाइस अभी मैं छत पर आ चुका हूँ, जस्ट मेरे सामने ये हेलीकॉप्टर मतलब ये जेट है, एंड अभी ये पूरा क्रैश हम करने की पूरी ट्राई कर। ओ वेट भाई ये क्रैश हो गया सच में, भाई ये क्या हो रहा है भाई? फिर भी कंट्रोल कर लिया क्या यहाँ पर जेट वाले? रुको इसको पूरा प्रॉपर क्रैश करना पड़ा भाई, चक्री बना दी लिटरली भाई।
वो देखो आसमानों कैसे नीचे पूरा गिराएंगे भाई, इसको पूरा क्रेश करेंगे भाई। गायब भाई, फट गया वो, लिटरली फट गया भाई, खतरनाक भाई। सच में हम क्रेश कर सकते हैं भाई। मैं पहले आरपीजी से ट्राई करता, लेकिन एकेएम से ट्राई कर सकती। ये देखो ये जस्ट मेरे सामने, अभी देखो ज्यादा गोलियां नहीं भाई, थोड़ी सी गोलियों में क्रेश हो जाएगा ये। तो ये जस्ट मेरे सामने, लेकिन गायब हो जाएगा, शिट। लेकिन यस हम इस टाइप से इसको क्रेश कर सकते। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, और ये हम चैलेंज कर लिया, डन। नेक्स्ट मिथ, प्लेन के ऊपर बाइक स्पॉन करके प्लेन में बैठो, देखो होगा मैजिक। तो प्लेन के लिए 555 अपने को टाइप करना है, एंड यहाँ पर इसके ऊपर एक बाइक स्पॉन कर देनी कोई से भी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चल के इसके ऊपर बाइक स्पॉन कर दी, एंड एंटर कर लेना इसको। तो चलिए अभी देखते ऐसा क्या जादू होने वाला है यहाँ पर। वेट, अबे उसने धक्का मार दिया अपने को भाई, इतना दूर क्यों धक्का मार रहा, रुको भाई। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसके ऊपर मैं ट्राई करने वाला हूँ, 5000 वाली बाइक स्पॉन करते हैं। एंड ऊपर आ चुके, ओके आ चुके, एंड डन। अपने को यहाँ पर एंटर करना है, एंड देखते हैं अभी क्या होने वाला है। व्हाट भाई, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था भाई। ये क्या बोलते हैं इसको, वॉइड बोलते हैं क्या, पता नहीं जो भी बोलो, लेकिन हम सीधा यहाँ पर गिर चुके भाई, समुद्र तालाब वॉइड के बीचों बीच, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक पे है। ये मस्त था भाई, ये भी होता है यहाँ पर कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, मित सब ने बताया कि GTA 5 मोड आया है, तुम भी ट्राई करो, टाइप करो RGS में GTA 5 मोड। भाई क्या ही कहना चाहते हो भाई तुम, हो यहाँ पर RGS में जाकर GTA 5 मोड लिखना, GTA 5 MOD। हम GTA 5 में चले जाएंगे क्या? अगर चले गए तो सब लाइक करना, सब्सक्राइब किधर भाई, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, स्कैम है ये सब, सब कुछ स्कैम है। तो चलिए ये भी मिथ होता है, बस्केट। नेक्स्ट मिथ, अगर आप बिना प्लेयर की पोजीशन सेव ना करो तो लोड करो तो मैजिक होगा बिना। अरे यस, ये तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। सो गाइस, मैंने अभी गेम के सारे कैशे और डाटा वगैरह क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर सेव कर रखी थी इसकी सारी सीन। तो यहाँ पर आप भी ट्राई करना, अगर पहले से सेव किया होगा तो ये सीन आपके साथ नहीं हो सकता है। तो गाइस मैंने बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है LOID, एंड डैम भाई ये देखो भाई कितना खतरनाक, मतलब फिर से वॉइड में गिरने लगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो गाइस ये थे सारे मिथ्स जो कि काफी बढ़िया थे। आपको भी कोई पता हो तो मेरे को कमेंट में बताना, मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके मिथ के साथ बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।